फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सुनीता। तो आप जरे हैं, ये सामने जो क्यूट सी डॉल बैठी हुई है, ये है मेरे ब्रदर इन लॉ की डॉटर। और हम आए हैं इसके ईयर पियर्सिंग के लिए और हम आज इसके कान छिदवाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज दैट माई मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो मेरे जेठ हैं, उनको पता नहीं है कि हम सानवी नाम है हमारी इस डॉटर का। और उनको पता नहीं है कि हम इसके कान छिदाने के लिए इसे लेकर आए हैं मार्केट में। और अभी मैं इसे बड़े प्यार से समझा रही हूँ क्योंकि ये मान नहीं रही थी और ये मेरी बातों में को बड़े ध्यान से सुनती है, तो बहुत मान भी गई थी बहुत जल्दी। तो शी इज़ अ वेरी ओबीडियंट एंड स्वीट चाइल्ड। और जो मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, जो भाभी हैं, मैं उनको भाभी बोलती हूँ, वो इतनी डरी हुई थी इस प्रोसेस से कि शी वॉज़ नॉट इवन इनसाइड द शॉप। वो शॉप से बाहर चली गई थी और वो देख ही नहीं पा रही थी, बिकॉज बेबी को बहुत दर्द होता है, बच्चा रोता है, इसमें कई बार कान भी पक जाते हैं। तो हमने ये जो इयररिंग्स लिए हैं सानवी के लिए, ये हमने मेडिकेटेड इयररिंग्स लिए हैं, एज इन दे इन ये इस इयररिंग से बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कान पकेंगे भी नहीं, इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और ये हमने गन से इसके एयर पियर्सिंग कराए हैं। ये जो होता है इसमें बस एक सेकंड का दर्द होता है, इट वाज वेरी पेनफुल फॉर अ सेकंड, और फिर बच्चा नॉर्मल हो जाता है। तो अभी वो मैंने उसको कंसोल कर लिया था और वो चुप हो गई थी। फिर जब फॉर द सेकेंड ईयर शी वॉज़ नॉट रेडी और वो मेरी बातों में नहीं आई बिल्कुल भी, तो उसको मेरे हस्बैंड ने कंसोल किया। और ये मतलब हमने अपनी डॉटर का 2 ईयर में करवा दिया था निर्विका, और हम इस डॉटर का करवाने के लिए भी हमें ही जाना पड़ा क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत डरे हुए थे, बहुत बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और ये मुझे भी बहुत रोना आ रहा था कि उसको इतना दर्द हो रहा है, पर तो मैं उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी। तो फिर फाइनली मेरे हस्बैंड ने, और ये निलोहित है हमारा बड़ा बेटा, इसने चार्ज लिया। दे बोथ होल्ड हर टाइट सो दैट शी डोंट मूव और कुछ गलत जगह पर ना हो जाए, बिकॉज मार्किंग की हुई, पहले मार्किंग की थी उसके बाद ही ईयर पियर्सिंग हुई थी। तो बहुत प्यार से हमने इसे कंसोल कर लिया बाद में, और फिर हमने इसको आइसक्रीम खिलाई, चॉकलेट खिलाई, तो देन शी वॉज़ हैप्पी और वो भूल भी गई थी। तो गाइस, अगर आप ऐसे एयर पियर्सिंग कराते हैं तो आप सोफ्रामाइसिन लगाइए, नहीं तो आप मस्टर्ड ऑयल में हल्दी को गर्म करके लगा सकते हैं कॉटन से। इससे बच्चे के कान जल्दी हील हो जाते हैं। और बच्चा ये देखिए, ये खुद ही इसने अपने क्रॉक्स पुट ऑन किए हैं एंड देन शी वॉज़ वॉकिंग ऑन हर ओन, बट बाद में मैंने इसे गोदी में ले लिया था। शी इज़ वेरी गुड एंड ओबीडियंट चाइल्ड, बहुत प्यार से और बहुत ईजिली मान गई थी। हम सब इसे मना रहे थे, बातों में लगा रहे थे, तो शी वॉज ओके एंड शी फॉरगॉट। और गाइज, अगर आपको लगता है कि आपके बेबी को पेन हो रहा है क्योंकि बच्चा बार बार कान को छेड़ता है, उसमें इचिंग होती है, जलन होती है, खिंचावपन होता है, तो आप उसमें सोफ्रामाइसिन लगाइए, हल्दी और सरसों का तेल पका कर लगाइए, और नहीं तो आप रात के टाइम बच्चे को कोई पेन किलर सिरप दे दीजिए, लाइक कॉम्बी फ्लेम का सिरप आता है और क्रोसिन का सिरप आता है, और मेफ्टल पी इज़ अ वेरी पेन वेरी इफ़ेक्टिव सिरप, मेफ्टल पी। बट आप अपने प्रैक्टिशनर से पूछकर ही कोई भी मेडिसिन दीजिए, पर ज़रूर दे दीजिए सो दैट बच्चे को दर्द ना हो रात में और पेन किलर की उसे पेन ना हो, उसको पेन रिलीफ रहे बच्चा, इसलिए आप दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने ईयर पियर्सिंग सानवी की मालवीय नगर में कराई थी, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लाइटिंग थी यहाँ पर गुरुपूरब की वजह से। यहाँ पर गुरुपूरब का फेस्टिवल, ये दिवाली से पहले लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, रामलीला के टाइम पर, दशहरे से पहले, और ये गुरुपूरब के बाद तक रहती है। तो अभी आज भी है और आई थिंक 1-2 दिन में हट जाएगी। यहाँ पर बहुत ही फेमस स्वीट शॉप है, उसका नाम है मोती स्वीट्स, जो बहुत ही बड़ा और फेमस है। और ये देखिए, ये अपनी मम्मी की गोदी में है और चुप हो गई है,
और बस बार बार हार्ट टच कर रही थी। तो अभी मेरे हस्बैंड और निलोहित गए हैं सोफ्रामाइसिन और मेफ्टलपी लेने, तो वो जैसे ही आए हैं हमने उसे सोफ्रामाइसिन लगा दिया है, बट अगेन देन शी वॉज अगेन टचिंग इट अगेन एंड अगेन। तो ये है गाइस मोती स्वीट्स, ये बहुत ही ग्रैंड शॉप है इन मालवीय नगर और बहुत ही फेमस शॉप है। और यहाँ पर हमने खाए हैं गोलगप्पे, टिक्की, पाव भाजी, और जो हमने अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के लिए भी पैक कराया है। और मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं आए थे, ही वॉज़ बिज़ी इन सम मीटिंग। तो अभी हम सब हैं यहाँ पर और इंसान भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। और अभी उसको बिल्कुल, मैंने उससे कई बार पूछा कि आपको पेन तो नहीं हो रहा, देन शी वॉज़ लाइक नो नो, वेरी स्वीटली शी वॉज़ सेइंग नो। और निर्वी ने खाए हैं सूखे गोलगप्पे विदाउट पानी, ये हमने इसको सोफ्रामाइसिन लगा दी है। और ये हम भाभी और मैंने हमने टिक्की खाई है। गाइज इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग एंड हार्ट मेल्टिंग वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, मेरे टिप्स पसंद आए हो, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।